बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, अस्सलामुअलैकुम। लोफर क्रिएटिव सोल की टीम एक और लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 3 के साथ HTML के हाजिर है। आज के लेक्चर में हम पहले थोड़ा सा पीछे देखेंगे जो हमने किया था उसको, और आगे बढ़ते हुए आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि आप वेब पेज के बैकग्राउंड पे कलर कैसे कर सकते हैं, और हम देखेंगे कि अगर हमने इमेज सेट करनी है तो वो कैसे होगी। उससे पहले आपसे फिर एक मरतबा रिक्वेस्ट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस मरतबा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर मैं चैनल पे 10 मिनट से ज़ायद वीडियोस अपलोड करूं तो आपको कोई इशू तो नहीं है। क्योंकि कुछ से स्टूडेंट्स मुझे ये कह रहे थे कि सर आप जो है ना वो चैनल पे वीडियोस लेंथी डाला करें थोड़ी सी और ज़्यादा काम करवाया करें। तो मैं बेसिकली इसीलिए नहीं कर रहा था कि आप लोग बोर ना हो जाएं, लेकिन जैसे आपका फीडबैक आएगा हम उसके मुताबिक चलेंगे। तो बग़ैर किसी इंतज़ार के हम आगे चलते हैं और अगले लेक्चर पे हम देखते हैं कि अगले लेक्चर में हमने क्या करना है। तो आज मैंने एक पूरा फोल्डर बना लिया, पहले हमारी फ़ाइल ओपन पड़ी थी, मैं फोल्डर को ओपन करता हूँ। यहाँ पे दो फ़ोटोज़ पड़ी हैं, और उससे पहले मैं आपको इसको प्रीव्यू दिखा दूँ कि ये वही फ़ाइल है जो हम काम कर रहे थे। ये वही फ़ाइल, आप देख सकते हैं कि ये वही फ़ाइल है। अब हमने दोबारा इसको वही करना है, ओपन विद करना है नोटपैड। अब देखें, ये वही कोड है जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, ठीक है। आज हमने देखना है कि ये जो हमारा पीछे कलर आ रहा था वाइट, जिस पे वेलकम लिखा हुआ था, हमने उसको चेंज कैसे करना। तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ, हम यूज़ करेंगे बीजी कलर, ठीक है। यहाँ पे बीजी कलर जब हम करेंगे तो हम इसको क्या कर देंगे, इज इक्वल और डबल कोट्स इन्वर्टेड कोमास जो आप कह लें, और यहाँ पे हम कलर नेम लिखेंगे। मैं कहता हूँ हम इसको स्काई ब्लू करके देखते हैं, स्काई ब्लू, और यहाँ पे फिर डबल कोट्स। तो अब हम इसको करके देखते हैं, हम अपनी फ़ाइल को रन करते हैं। फ़ाइल को यहाँ से मैंने ओपन किया तो कोई चेंजिंग हुई? बिल्कुल नहीं हुई। वही कंसेप्ट, जो काम करना है उसको सेव भी करना है। सॉरी, मैंने डबल फाइल ओपन की हुई थी। अब मैं इसको करता हूँ कंट्रोल एस, मैंने कंट्रोल एस किया। अब देखते हैं गूगल क्रोम पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखेंगे हमारा कलर चेंज हो गया, पूरे पेज का कलर चेंज हो गया। आहिस्ता आहिस्ता आपको बताते जाएंगे कि ये ऊपर होम मेन्यू कैसे बनेगा, सारा आहिस्ता आहिस्ता काम करवाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो इंशाल्लाह मुकम्मल एक अच्छी वेबसाइट बनाना, वेब डिज़ाइनिंग आपको सिखाएंगे। ये तो हो गया। अब इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट, ये जो चीज़ हम इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। तो हमने ये क्या किया, हमने ये कलर कर लिया कि बैकग्राउंड पे पेज पे कलर कैसे लिखा जाता है। अगले लेक्चर्स में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि ये कैसे चेंज होगा, लेकिन उससे पहले एक जो सबसे अहम चीज़ है कि हेडिंग्स हम कैसे देंगे, मतलब हमने इसको बड़ा करना है। तो मैं आपको यहाँ एक और टैग करता हूँ, स्टार्ट H1, और यहाँ जो टैग हम ओपन करेंगे वो टैग हम क्लोज भी करेंगे। क्लोज करने के लिए यहाँ पे ये आएगा, ठीक है जी। अब हम इसको करके देखते हैं कंट्रोल एस से, ठीक है। मैं फिर आपको ये अच्छी तरह समझाता हूँ कि ये क्या है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये बोल्ट हो गया, वेलकम जो है वो हमारा बोल्ट हो गया। तो इस तरह आप अगर जिस वर्ड के सामने ये H1, H2, H3, H4, H5, H6 और H7 तक लिख देंगे तो उसका फ़ॉन्ट का साइज़ तब्दील होता रहेगा। वो आप प्रैक्टिस करके देखें कैसे होता है। मैं H2 करके देखता हूँ, यहाँ मैंने H2 किया है तो यहाँ पे भी H2 ही करना है। मैं कंट्रोल सेव करता हूँ, कंट्रोल प्लस एस, मैं जाके वहाँ रिफ्रेश करके देखता हूँ, ये फिर छोटा हो गया। क्यों हुआ, ठीक है, ये नॉर्मल साइज़ पर चला गया। अब मैं देखता हूँ H3 करके, ठीक है, अभी आपको समझ आ जाएगी ये क्या हो रहा है। H3 करके देख देता हूँ, ये और छोटा हो गया। मतलब जितना आप पीछे जाते जाएंगे H1 से तो उतना ये छोटा होता जाएगा। नॉर्मली हम H1 ही यूज़ करते हैं तो मैं इसको H1 ही कर दूंगा। तो ये तो हो गया फॉन्ट की हेडिंग का। जिसके साथ भी आप ये यूज़ करेंगे H1, वो थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा,
उधर पेज पर, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। एच वन मैंने फिर इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ, ये रहा जी हमारा वो पेज। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये बड़ा हो गया। अब हमने ये देखा कि बैकग्राउंड में हम फ़ोटो लगा सकते हैं, जी लगा सकते हैं हम कैसे भी, जी कलर करके। स्काई ब्लू मैंने कलर बता दिया। मैं कोई बंदा कहता है जी कलर चेंज कर दो, मैं इसको रेड करके देखता हूँ क्या हमारा कोड बिल्कुल ठीक चलता है। मैंने इसको रेड किया और मैंने इसी के साथ इसको ये देखे, ये जी रेड हो गया सारा। तो जो कलर आप सेलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। आज का जो मेन काम है बैकग्राउंड पे इमेज सेट करना। ये लेक्चर मैं थोड़ा सा छोटा रखूँगा और इससे अगला जो लेक्चर है वो मेरी कोशिश होगी कि उसको थोड़ा सा बड़ा किया जाए। मैं अभी सिंपल यही चाह रहा हूँ कि आप लोग आहिस्ता आहिस्ता काम सीखे, बेस बना लें अपनी। जब बेस बन गई उसके बाद इंशाल्लाह आप खुद इतने तैयार हो जाएंगे कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने कलर कर लिया, अब मैं इसको कर देता हूँ ख़त्म। ख़त्म क्यों कर रहा हूँ वो भी आपको समझ आ जाएगी। अब हमने सेट करनी है फ़ोटो, ठीक है। मैं फ़ोटो सेंड कर देता हूँ, बैकग्राउंड ये है जी फ़ोटो सेट करने का। उसके बाद आप लगाएंगे इक्वल टू, उसके बाद डबल कोट्स या इन्वर्टेड कोमा, जो आप मर्ज़ी कह लें। और अब आपने क्या करना है, इन दो के दरमियान आपने लिखना क्या है, इन दो चीज़ों के दरमियान आपने उस फाइल का नेम, ठीक है, इस फाइल का नेम और ये वाली जो हमारी फ़ोटो की टाइप है बेसिकली ज़्यादातर जेपीजी होती, ये देखें जेपीजी फाइल का नेम जेपीजी। अब हमने इसको कैसे लिखना है, फाइल का नेम है हमारी, फ़ोटो का नेम है काशिफ और उसकी टाइप क्या है, टाइप हम डॉट जेपीजी। देखिए मैं फिर इधर जाके आपको दिखा देता हूँ, कहाँ गया मेरा फोटो, ये रहा काशिफ जो है वो मेरी फ़ोटो का नेम है, जेपीजी जो है वो मेरी फाइल की टाइप है। ये देखिए ये यहाँ से आप देख सकते हैं। अब अगर किसी बच्चे को समझ ना आए कि टाइप कैसे देखनी तो वो यहाँ से देख सकता है, ठीक है। फ़ोटो की बेसिकली होती यही है। अब मैंने इसको कंट्रोल एस नहीं किया था, सॉरी कंट्रोल एस कर दिया मैंने। अब मैं जाके देखता हूँ रिफ्रेश करके गूगल क्रोम पे कि ये फ़ोटो लगी, ये देखें जी। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, ये तो इतने सारे काशिफ आ गए हैं, तो ये इतने सारे काशिफ इसलिए आए हैं कि पिक्चर की रेजोल्यूशन जो है वो छोटी है। इसी पिक्चर को कैसे सेट करना है वो जब हम CSS स्टार्ट करेंगे तब समझाएंगे। अभी जो है आप जस्ट ये देखें कि फ़ोटो सेलेक्ट कैसे करनी है और पेज पे कैसे शो करवानी है। तो ये आप देख रहे हैं कि मतलब मेरी फ़ोटो लग गई। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब जो बेसिक चीज़ आपको समझाने की है कि मेरे पास दो फाइलें पड़ी हैं फोल्डर में, एक तो ये बात कि जो मैंने नाम लिखा सिर्फ वही फ़ोटो उठाई जाएगी और जो दूसरा मैंने नहीं लिखा उसको कुछ नहीं कहा जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे दूसरा नाम लिख देता हूँ, वॉल पेपर, ठीक है। मैं जाके स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ क्या यही है, ठीक है जी यही है। स्पेलिंग की गलती लाजमी देखनी है, एक भी वर्ड ऊपर नीचे हो गया तो वो उसको उठाएगा नहीं। अब मैंने कंट्रोल एस किया, एस करने के बाद मैंने देखा उसने कुछ नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया भाई, हमने ठीक लिखा है, वॉलपेपर ही नेम है, जी वॉलपेपर ही नेम है। अब गलती क्या हुई, इस फाइल की टाइप थी जेपीजी और इस फाइल की टाइप है जेपीईजी। तो ये फाइल की टाइप हमने क्या लिखी हुई है, हमने लिखी हुई है जेपीजी। तो यहाँ पे मैं ई डाल देता हूँ। अब करके देखते हैं कंट्रोल सेव, तो मैंने कंट्रोल सेव किया, कंट्रोल एस सॉरी सेव बोल देता हूँ आप समझ जाए। अब मैं देखता हूँ क्या होता है। अब देखें जी, अब बेसिकली ये हमारा छुप गया वेलकम, ठीक है, ये वेलकम आ गया और ये इसकी भी रेजोल्यूशन कम है, लेकिन ये दोनों फ़ोटोज़ मैंने इसीलिए रखी थी कि आपको डिफरेंस समझा सकूँ कि अगर आपने ये देखे। अब ई की गलती थी, फिर ई को ख़त्म करके कंट्रोल प्लस एस सेव करता हूँ तो अब फिर जाके रिफ्रेश करते हैं, वो नहीं उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा, क्योंकि यहाँ पे जेपीईजी फाइल की टाइप है और यहाँ पे जेपीजी है जो हमने पहले लिखी हुई थी। तो ये फाइल की टाइप, एक एक स्पेलिंग, अब एक सिंपल ई की वजह से हमारा एरर आ रहा था। कल को आप कोडिंग कर रहे होंगे, बड़ी कोडिंग कर रहे होंगे तो फिर आप कहेंगे यार मैं ठीक तो लिख रहा हूँ क्या हो रहा है इसमें। तो आपने ये बातें छोटी छोटी जहन में रखनी है। अब मैं इसमें ई दोबारा लगाता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और